नमस्कार, आरपी न्यूज लाइव देख रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दातारामगढ़ तहसील में एक 4 वर्षीय बालक बोरवेल में गिर गया था, उसको लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने आखिरकार 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसे मासूम को बचा लिया है। खुशी से उसके जो परिजन हैं वो रो पड़े। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के खाटू श्यामजी थाना इलाके के बेजारणिया की ढाणी में एक 4 साल का बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जिसे NDRF और SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 25 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार मासूम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया है। इसके लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मासूम बच्चे को सकुशल देखकर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और मां उसे गले लगाकर रो पड़ी। बोरवेल में बच्चे को निकालने के बाद प्रशासन ने मासूम को एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल भिजवा दिया है। बचाव अभियान के दौरान बच्चे के माता पिता और बहन कमरे पर देखकर रात भर उसे आवाज़ लगाती रही। मासूम बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा था। बचाव दल की टीम ने करीब 50 फीट तक खुदाई की। आपको बता दें, गुरुवार देर शाम से ही NDRF सहित अन्य बचाव दल रेस्क्यू अभियान चला रहे थे। बचाव दल की टीम ने बोरवेल में टोकरी लटकाकर मासूम रविंदर को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 4 साल का मासूम टोकरी की रस्सी पकड़ लेता था पर उस पर चढ़ नहीं पाता था। उधर बचाव दल की टीम बोरवेल के पास खुदाई कर एक सुरंग बनाने में लग रही थी। 50 फीट गहरे बोरवेल तक पहुंचने के लिए टीम ने खुदाई का काम लगातार जारी रखा। आपको बता दें, बचाव दल की टीम ने बच्चे तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन भी पहुंचाई। उसे बचाने के लिए बिस्कुट भी दिए गए। बच्चे के परिजन उससे लगातार बात भी करते रहे थे। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद उसके माता पिता और बहन का बुरा हाल था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आरपी न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कल एक बच्चा जो है वो खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था और काफ़ी मशक्कत के बाद उस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और बच्चे को अस्पताल भिजवा दिया गया है। अब उस बच्चे का जो मेडिकल बुलेटिन होगा, उस मेडिकल बुलेटिन पर हमारी नज़र है। जैसे ही कुछ हमारे पास इनपुट आएंगे, आरपी न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे।